नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम्स 24। दिव्यांग बोले, 20 सालों से क्यों नहीं देखा सरकार को दिव्यांगों का दर्द। घिसक कर चलने वालों के लिए 40 किलोमीटर की यात्रा 4000 km के बराबर। जिला बहियोल चीफ विकास अन्नोटिया गुना दिव्यांग स्वाभिमान यात्रा का आगाज गुना जिले की राघोगढ़ तहसील से हुआ था, जिसमें पूरे प्रदेश के दिव्यांगों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 7 नवंबर को शुरू हुई यात्रा के दूसरे ही दिन कलेक्टर और एसपी दिव्यांगों के पास पहुंचे, लेकिन दिव्यांगों ने उन्हें अपना ज्ञापन नहीं दिया। दिव्यांग इस जिद पर आड़े रहे कि प्रभारी मंत्री या गृह मंत्री ही हमारी यात्रा को बीच में समाप्त कर सकते हैं। दिव्यांग स्वाभिमान पद यात्रा अपने दूसरे पड़ाव पर ही पहुंची थी कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने दिव्यांगों से 3 माह का समय मांगा और दिव्यांगों प्रतिनिधि मंडल को मुख्यमंत्री आवास पर मिलकर अपनी बात रखने की व्यवस्था करने के लिए कहा। तब कहीं जाकर दिव्यांगों ने अपनी यात्रा को 3 माह के लिए स्थगित किया है। दिव्यांगों का कहना है कि हमारी लड़ाई जारी रहेगी। दिव्यांगों ने यह भी कहा कि सामान्य व्यक्ति के लिए भी 40 किलोमीटर की पैदल यात्रा आसान नहीं होती, हमारे लिए तो 40 किलोमीटर की यात्रा 4000 km के बराबर है। फिर भी दिव्यांग 40 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं। करीब 2 दर्जन दिव्यांगों की पैदल चलकर गंभीर हालत हो चुकी थी। किसी के हाथों से खून निकल रहा है तो किसी के पैरों से और किसी के घुटने सड़क की रगड़ से छिल चुके हैं। दिव्यांगों के लिए यह 3 दिन की यात्रा किसी हिमालय पर चढ़ने से कम नहीं थी। फिर दिव्यांग अपनी मांगों के लिए पूरे 40 किलोमीटर पैदल चलने पर अड़े हुए थे। दिव्यांगों ने कहा कि सरकार को इस बात की गंभीरता को समझना चाहिए कि दिव्यांग वर्ग कितनी पीड़ा में पैदल चल रहा है। साथ ही दिव्यांगों ने यह भी कहा कि यदि 3 माह में कानून बनाकर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो यह यात्रा वहीं से शुरू होगी जहां से आज स्थगित हो रही है। हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी तब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा कर देती।